हुआ किसने बाबा? कहाँ खोए हुए हैं? नहीं कुछ नहीं बाबू, ऐसे वो काम का थोड़ा टेंशन है, बाकी कुछ नहीं। काहे तुम ऐसे काहे पूछ रहे हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? घर के कोने में कोनू ना कोनू बात नजर ही आएगी। बाकी आप घर की बातों को लेके कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं किसना बाबा। इतना सालों में आप हमेशा प्रतिज्ञा का साथ दिए, जोन जोन काम वो करना चाहती थी हमेशा उनके साथ खड़े रहे। दुनिया में ऐसे बहुत कम पति होंगे जो अपनी पत्नी के लिए इतना कुछ हो करते हैं। बाकी आज आप प्रतिज्ञा पे शक कर रहे हैं? काहे उनका साथ नहीं दे रहे जैसे हमेशा देते आए हैं? ऐसा कहा है आपके मन में? अरे भौजा, हम शक नहीं कर रहे हैं, वो कब शक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम कहे बाबा बताओ कब शक किए का है? ना किए ना कब वो करेंगे। अरे पूरा भरोसा उसके ऊपर यार। हमारी बात कुछ और है। हमारे मन में जो खटक रहा हुई है कि वो काहे से जिद पकड़ के बैठी है। कहा कहे हम टेस्ट के लिए कहे ना, काहे नहीं करवाई लेती? मतलब हमारे मन की तसल्ली खातिर कह रहे हैं तो काहे नहीं कर सकते? इतना जिम्मेदारी नहीं बनती हो कि करवा लेना टेस्ट। मतलब टेस्ट हो ही जाएगा सबका, एक बार सबके मुंह पे ऐसा जो रिजल्ट है वो फेंक देंगे, सब चुप हो जाएंगे। मन ऐसे फिजूल बात करते रहते हैं। अरे हम वो जानते हैं ये बार रिपोर्ट जो है दोबारा वो नहीं आएगी। बाकी एक बार मेरी बात मान ले, कहा जाता होगा? बाकी रहने दीजिए ना दीदी, जब इसे हम पर भरोसा ही नहीं तो ना आप कुछ कर सकेंगे ना ही हम। और आज साबित हो गया कितना कमजोर रिश्ता है हमारा। देखा दादी, अब जो हमेशा से चाहती थी वो अब जाकर पूरा हो रहा है। जिस प्यार की लोग मिसाल देते थे अब उसके दी एंड की शुरुआत हो रही है। जो शक की सुई है ना, इतनी बड़ी दरार बन जाएगी कि एक दूसरे पर थूकेंगे भी नहीं। प्यार तो दूर की बात, भगवान ने आपकी सुन ली। भगवान ने नहीं सुनी हमारी, भगवान ने सुनी होती ना तो प्रतिज्ञा पहले ही मर जाती और लौट के ही नहीं आती घर में। ये तो हमारे दाव का कमाल है। वो दिन जब रिपोर्ट घर में आया ना तो हमारे हाथ में मिला, खोल के देखे तो सब ठीक था। तभी हमारे दिमाग में आया यही मौका है पासा पलट देने का। और बाबा के दिमाग में शक का बीज बो देने का। बस वही किए और पासा पलट दिए। क्या माइंड गेम खेले हो दादी, अगर बाबूजी होते शायद यही करते। बेटा तो चला गया हमरा, बाकी याद रखना जब भी कोई ऐसा मौका आए ना लपक लेना है। हमारा बेटा छीना ना हमसे, हम बेटा और पति दोनों छीन लेंगे, देखो खाली। ये तो हमारा भी सपना है दादी, एक तीर से दो निशाने, इसमें हम आपका पूरा साथ देंगे। तुम दोनों का ऐसा बहस करके क्या होगा? ये मैटर ऐसा भी नहीं है कि सुलझाया नहीं जा सकता। हमको लगता है कि तुम दोनों को शांति से आराम से बैठ के अकेले में सुलझाना चाहिए इसको। बाबू एक बार बात कर लेते हैं। यार कहा जिद पकड़ लियो यार, ना टेस्ट कराए खाते तैयार हो ना बात कर रही हो, ऐसे कैसे चली गए? फिर चुप हो गया तो हमका एक बात बताओ, ये घर में जो झमेला चल रहा है का सुलझाना है कि नहीं सुलझाना है? ऐसे चुप रह के होगा का कुछ, क्या मिलेगा इससे? अरे तुमसे बात कर रहे हैं यार बाबू, कमाल है। हमका ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा कहा कह दिया, कहा कर दिया ऐसा कि मतलब इतना सब कुछ होगा
हमसे बात भी नहीं कर रहे, हमें तो देख भी नहीं रहे तुम यार। सिर्फ टेस्ट के लिए बोले यार, टेस्ट करे खातिर बोले। ये टेस्ट के चक्कर में हमारे रिश्ते को दुविधा में डाल रहे हो तुम यार। हम यहाँ रिश्ते को मजबूत बनाना चाह रहे, तुम करो कमजोर हो रहा है। अब ये साबित करने वाली बात है ना, टेस्ट हो जाएगा, सबका साबित हो जाएगा। फिर हम सबकी बात नहीं कर रहे, तुम्हारी बात कर रहे हैं। क्यों साबित कर रहे हैं? शक है तुम्हें हम पर? शक नहीं है यार, तुमका कैसे समझाएं? तुम कैसी बात कर रही हो यार? हम कहीं बात बताओ, ऐसे कैसे है कि जो कृति का जो रिपोर्ट है वो सही आया है, गर्भ का गलत आया, ऐसे कैसे हुआ? अच्छा, तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि कृति तुम्हारी बेटी है लेकिन गर्भ तुम्हारा बेटा नहीं है, इसीलिए जब तुम्हारी बेटी को चोट लगी तो गर्भ को किसी और का बेटा समझकर तुमने उस पर हाथ उठाने चले थे, है ना? क्या बोल रही है तुम्हें? हमारी हर बात को मतलब ऐसे तोड़ मरोड़ दोगी तुम ऐसे? ये बोले काम हमारी बोले का ये मतलब था का? तो क्या मतलब था बताओ, हमें समझाओ ना, हमें बताओ सीधे सीधे कि क्या मतलब था तुम्हारा। हम ही बताते हैं, तुम्हारा काम आसान कर देते हैं। तुम चाहते हो कि हम टेस्ट इसलिए करवाएं क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें धोखा देकर किसी और के साथ संबंध बनाकर गर्भ को जन्म दिया है ना? क्या? रुक क्यों गए? मारो, मारो ना, मार कर सब पर अपना गुस्सा निकाल लो, और अगर हाथ उठाने से तुम्हारा मन बदल जाता है तो मार लो। क्या गलत कहा हमने? जो तुम्हारे मन में चल रहा है वही बोला ना हमने। ये हमारे मन में नहीं है यार, कैसे समझाया तुमका वो समझ नहीं आ रहा आपका। ना तुम हमारी बात सुन रही हो ना समझने का कोशिश कर रहे हो। अगर हमका शक भी है ना तो तुम पे नहीं है, ये बात पे है कि हॉस्पिटल में भी तो कुछ हो सकता है। नहीं हो सकता का सुनी नहीं हो तुम? ऐसा होता नहीं है हॉस्पिटल में, बच्चों का अदला बदली नहीं होता है हॉस्पिटल में, ऐसा कोई गलती होगा तो फिर? अरे अपने मन की तसल्ली के लिए चाहते हैं तो इतना सा काम नहीं कर सकते? एक बात बताओ हमें, क्या तुम्हारे लिए ये इतना आसान है मान लेना कि गर्भ हमारा बेटा नहीं है? कृष्णा, चाहे वो हॉस्पिटल में बदला हो या ना बदला हो, गर्भ हमारा बेटा है और हमेशा रहेगा और इसे कोई नहीं बदल सकता। बस एक रिपोर्ट के चक्कर में जो इतने पल उसके साथ बिताए, इतने सालों जो उसके साथ बिताए, वो सब कुछ भुला गया। तुम गर्भ में अपना खून ढूंढ रहे हो ना और इसी तसल्ली के लिए दोबारा रिपोर्ट करवाना चाहते हो ना, लेकिन इतना क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि जिस गर्भ को हमने अपनी गोद में खिलाया, जिसके लिए रोए हैं, जिसके लिए हंसे हैं, जिसके लिए इतनी चिंता की है, उसे इतना जल्दी कैसे भुला दे? हाँ, और सिर्फ अपना खून ढूंढे? भैया तुम नहीं वक्त हमारी बात नहीं समझ रही हो। हम क्या कहना चाह रहे तुम बिल्कुल ही उल्टा समझ रही हो यार। हम ये वक्त तुमसे बात करना बेकार है, हम बाद में बात करेंगे। आदर्श, ये लो कुछ खा लो। आदर्श, तुमको पसंद नहीं आया का? अरे यार, इतनी मेहनत से तुमरे लिए कोई नया डिश बनाए की कोशिश किए हम, कैसा लगा बताओ तो? क्या मजाक है कोमल, ये पत्थर है, इसमें पत्थर खिलाओगे हमें? यही दिन बाकी था। अच्छा, मरने का बहुत शौक था ना तुमका? जहर खा सकते हो लेकिन ये पत्थर नहीं खा सकते। वैसे तुमका एक बात बताए का, कि जो पत्थर से ना तुम्हारा सभी दांत बांत और जबड़ा खराब होगा, बाकी तुम्हारा देह ना एकदम सही सलामत रहेगा। कैसे कि तुमका बदला लेना है ना हमसे? फिर क्या बकवास है कोमल, ऐसी बेहुदा हरकत तुम ही कर सकती हो? तुम जानती हो तुम ऐसे इंसान तो क्या कोई जानवर भी ना रहे। पर हम तो तुमका रखेंगे अपने दिल के पास, और सिर्फ अपने पास नहीं, दिल के भीतर और दरवाजे के अंदर। और वैसे तुमका क्या लगता है आदर्श, कि अगर तुम हमका परेशान करोगे तो हम तुमका डिवोर्स दे देंगे, तलाक दे देंगे? नहीं, तलाक तो
हम तुमका कबो भी नहीं देंगे। उल्टा हम तुमका ज्यादा इतना परेशान करेंगे ना कि पूरे घर में ना इसे बलबलाते फिरोगे। बताए रहे डिवोर्स तो तुम्हें देना ही पड़ेगा कोमल। देखता हूँ कब तक बचोगी। जब हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है तो जबरदस्ती तो नहीं रहोगी ना। तुम ही खाओ इसे। पापा हम आपके बेटे नहीं है क्या? आप हमसे प्यार नहीं करते? सच क्या है पापा? हमें बहुत डर लग रहा है। रजा यार तुम कैसी बात कर रहे हो? ऐसा सब ना सोचो यार। ऐसा हो सकता है क्या? बताओ हमका। तुमसे प्यार नहीं करेंगे? तुम हमारी जान, जान से कैसे प्यार नहीं करेंगे हमका? बताओ। तुम चाहते हो कि हम टेस्ट इसलिए करवाएं क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें धोखा देकर किसी और के साथ संबंध बनाकर गर्भ को जन्म दिया है ना? क्या? और अगर हमारी बात इतनी बुरी लग रही है और इतना ही भरोसा है तुमको कि गर्भ तुम्हारा बच्चा है तो काल में फिर से टेस्ट करा लेते? नहीं करवाएंगे टेस्ट। इधर आ। पैकिंग कर ली अपनी? पैकिंग किस लिए? इसलिए कि तुम घर छोड़कर जा रहे हो ना। अभी तुम इस घर के बेटे रहे ही नहीं। तुम्हारा बाप कहीं और है तो तुम्हारा घर भी कहीं और होगा। अब इसे तैयारी कर लो तो बेहतर रहेगा। बहुत खराब लग रहा है हमको। जाएगा भी तो कहाँ जाएगा बेचारा? अनाथ है वो अलग। हमको तो लग रहा है कि कोई भिखमंगा गैंग इसको ना पकड़ लेगा और भीख मंगवाएगा इससे। कैसे करेगा बेचारा? माँ बाप का सहारा भी नहीं इसके पास। इतना छोटा सा प्यारा सा दुलारा बच्चा। उनको तो करेजा एकदम हार गया। सही कर रहे, नहीं झेल पाए गई। लेकिन झेलना तो पड़ेगा ना दादी। आखिर बाहर के लड़के को कितना दिन रखेंगे हम यहाँ? लेकिन कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे गर्व तेज लड़का है, बाहर रहते रहते सीख जाएगा। आखिर कितने सारे बच्चे होते हैं जिनका कोई नहीं होता। सड़क पे ही खाते हैं, वही भीख मांगते हैं और वही सो जाते हैं। भी खाना पीना तो मिल जाएगा भीख मांग के। वही अपने दोस्त बनाएगा और वही रहेगा अपनी दुनिया बना के मस्ती से। आप लोगों के कहने से क्या होगा? हमारी मम्मा हमें कहीं नहीं जाने देने वाली। हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कृष्णा का घर है और तुम्हारी मम्मा का उनके साथ रिश्ता है, इसलिए वो यहाँ रहती है। अगर वो तुम्हारे बाप ही नहीं है, तुम्हारी माँ ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? बोलो। अरे कर, बैठो बैठो। काहे इतना डर रहे हो? हैं? डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करो, आज रात को ना जी भर के यहाँ सो जाओ। पता नहीं कल तुमको यहाँ सोने को मिले कि नहीं मिले।
आज सूख जा। हैं? अगर हमारे बीच की बात किसी को बताई तो हम खुद जाकर तुम्हें सड़क पर छोड़ाएंगे, समझे? अरे जाओ। प्रीति, चलो बेटा, सोने का वक्त हो गया है, कब तक ये कार्ड बनाती रहोगी? नहीं मम्मा, थोड़ी देर बस होने वाला है, थोड़ी सी फाइनल टच कर देते। जितना ही उससे झगड़ा करती हो उतना ही उसका ख्याल भी करती हो? हाँ मम्मा, क्योंकि हम उसकी बड़ी बहन जो है। वो बहुत परेशान था, शायद इस कार्ड को देख के वो खुश हो जाए। हम चाहते हैं कि उसका कल का दिन बहुत अच्छा जाए, क्योंकि कल हम दोनों का दिन जो है, कल का दिन शायद उसकी जिंदगी में फिर से बहुत सारी खुशियां भर दे। लेकिन मम्मा, से भाई को ही बहन की रक्षा क्यों करनी होती है? मैं भी उसकी रक्षा कर सकती हूँ। और मम्मा, बहन को ही सिर्फ कमजोर क्यों माना जाता है? हुँ? और हाँ मम्मा, अगर भाई छोटा हो तो तब भी भाई को ही रक्षा करनी होगी बहन की, मैं नहीं कर सकती उसकी रक्षा। क्यों नहीं कर सकती? करनी भी चाहिए, तुम दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, और सिर्फ आज नहीं, हमेशा, जिंदगी भर। चलो ठीक है, तुम जल्दी से कार्ड बनाना खत्म करो और टाइम से सो जाना। हम ओके मम्मा, घर को ढूंढ कर ला। गर्व, रो क्यों रहे? हाँ इधर आओ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। रो, क्या हुआ? इसे रो क्यों रहे हो? शांत हो जाओ, चलो शांत हो जाओ और मामा को बताओ क्या हुआ। कर, क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ किया? हाँ मामा को बताओ। आज रात को ना जी भर के यहाँ सो जाओ, पता नहीं कल तुमको यहाँ सोने को मिले कि नहीं मिले। अच्छा, अब सबसे पहले रोना बंद करो और बताओ मम्मा को क्या हुआ बेटा। हमारे बीच की बात किसी को बताई ना तो हम खुद जाकर तुम्हें सड़क पर छोड़ाएंगे, बात सुन। तुम रिपोर्ट्स के बारे में और उन सब चीजों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो। हम वादा करते हैं तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वादा करते हैं तुमसे, सब बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा, जैसा था। I promise. चलो, बहुत रात हो गई है ना, आज तुम एक काम करो, मम्मा पापा के साथ ही सो जाओ, रोना बंद करो। बस चलो, आओ आओ, चलो 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 चलो। तो यहाँ नहीं सोता, फिर यहाँ कैसे? यहाँ कैसे मतलब? हमारे साथ सोने के लिए आया है यहाँ पर, और पहली बार तो है नहीं कि गर्व हमारे साथ सो रहा है। आज बहुत ही घबराया हुआ था, डर रहा था, तो हमने सोचा कि आज इसे हमारे साथ सुला लेते हैं।
कृष्णा ये क्या कर रहे हो तुम?